हेलो फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है हमें स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको स्कैन करने के लिए हमें एक स्कैनर ऐप की की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सके। पहले एक ऐप थी कैम स्कैनर, जो कि चाइनीज़ ऐप थी और अब वो ऐप बैन हो गई है। तो उसके अल्टरनेटिव जो एक नई ऐप आई है, जो कि बहुत अच्छी ऐप है और उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप है, तो इसको मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। उस ऐप का नाम है एडोब स्कैन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन इसको आप एक बार देख लें, इसको यूज़ कैसे करते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से आप इसको एडोब स्कैन टाइप करेंगे और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको आप करेंगे, लेट्स को करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कुछ आप परमिशन देंगे, इसे अलाउ कर देंगे यहाँ से। कुछ परमिशन देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, जो है आपको मिलता है वाइट बोर्ड, मिलता है कोई फॉर्म स्कैन करना वो मिलता है आपको, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हो, और ये बिजनेस कार्ड, आप यहाँ से कोई भी स्कैन कर सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, हम इसको ऐसे क्लिक करते हैं इस पर, और इस पर जो है क्लिक करते ही ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सेट हो जाता है। इसको अगर आप चाहते हैं थोड़ा एडजस्ट करना अपने हिसाब से कि सही सेट नहीं हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसको आगे पीछे जैसे वैसे एडजस्ट हो जाएगा। इसको एडजस्ट करने बस को हम यहाँ करते हैं कंटिन्यू, और ये हो जाएगा। और रीटेक अगर आप दोबारा लेना चाहते हैं, रीटेक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रीटेक करके फिर से इसके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। कंटिन्यू करने के बाद ये जो डाटा है हमारे पास यहाँ सेव हो जाता है नीचे। अगर हम चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पेज है, फिर उसको भी हम स्कैन करें, तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और इस पर हम इसको क्लिक करते हैं और ये सेलेक्ट हो गया ऑटो। इसको हम रीटेक करेंगे, रीटेक पे क्लिक करके, और फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हो गया, और ये मुझे लगता है ठीक है, बिल्कुल सेट है। इसको कंटिन्यू करना, यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ अगर देखेंगे पहला पेज और ये दूसरा पेज, ये दोनों आ गए यहाँ पे। इसके अंदर जो है आपको, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ आपको कुछ करेक्शन करना, तो यहाँ आपको नीचे ऐड पेज का ऑप्शन मिलता है, इसमें और पेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। नीचे मिलता है आपको रीऑर्डर का मिलता है ऑप्शन, क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई, थोड़ा और क्रॉपिंग करनी है, तो थोड़ा सा और इसको एडजस्ट ऐसे कर सकते हैं, और इसको यहाँ से कर देंगे ओके, और ये फिर से आपका ये सेट हो जाएगा ये। और यहाँ मिलता है आपको रोटेशन का, इसको आप रोटेट कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे। यहाँ वो मिलता है कलर का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, इसको आप चाहें तो वाइट बोर्ड के थ्रू जैसा आप चाहें वैसे कलर आप कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलता है क्लीन अप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप चाहते हैं कि हमें कुछ पार्ट हमें शो नहीं करना है, या उसको हमें हाइलाइट करना है, तो यहाँ पे हम वाइट कलर पे चूज़ करेंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेंगे। जैसे हम रेड ले लेते हैं, रेड पे करने के बाद जो है इसको हम यहाँ से ऊपर से कर देते हैं ओके, और फिर उसके बाद हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कलर पे चूज़ करते हैं। कलर हम यहाँ ले लेते हैं रेड, और रेड पे सेलेक्ट करके हम इस पे जैसे किसी चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे इसको हम यहाँ ऐसे करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे पेंसिल अब लेके थोड़ा इसको और जहाँ चाहेंगे वैसे इसको आप कर सकते हैं हाईलाइट। या कुछ आप मिटाना चाहते हैं तो उसको आप वाइट कर लेंगे इसको, और वाइट पे क्लिक करके और इसको क्लिक करेंगे और ऐसे ये मिट जाएगा। अब चाहते हैं कि ऊपर का ही मिट जाए, तो ये भी मिट जाएगा ऐसे। इसको हम ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें ये नीचे ऑप्शन मिलता है, इसके आगे मिलता है रीसाइज़ का ऑप्शन मिलता है। इसे हम रीसाइज़ करके A4 साइज़, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप,
A3 साइज़, A3 जैसे आप चाहें हम उस हिसाब से इसको हम लेटर में लीगल पेज जैसे जिस पेज में चाहें वैसे उसको हम सेट कर, जैसे A4 साइज़ में क्लिक करता हूँ मैं तो A4 में हो गया ये, तो A4 में हमें इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट हम A4 में निकाल लेंगे। सो कर लेंगे ओके, और उसके बाद हमें ये ऑप्शन मिलता है ऊपर नीचे सेव PDF, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है इसका, ये हमें सेव PDF क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा PDF में, ऊपर यहाँ सेव हो रहा है ये। और हमें इसमें ऑप्शन मिल जाता है, हम नीचे देखें तो नीचे हमें मिलता है एक कैमरे का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ये दूसरा मिलता है हमें यहाँ पे इमेज का, इस इमेज पे हम क्लिक करते हैं। इस इमेज पे क्लिक करने के बाद हमें कोई हमारे गैलरी के अंदर कोई हमारे फ़ोटो है जिसको हम व्हाट्सएप पे ऐसे अगर हम शेयर करते हैं उसको JPG में तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, तो हमें उसको हमें क्या करना है कि हम इस पे इमेज पे जाएंगे और इमेज पे जाके इस पे हम यहाँ क्लिक करेंगे इमेज पे, तो इमेज पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए हमारी फ़ोटो ऊपर सेव हो गई है। इसको बता दूँ कि शेयर कैसे करें, हम शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऊपर शेयर लिंक ऑप्शन मिलता है नीचे शेयर कॉपी, हम शेयर कॉपी पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे इसको हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं और ये पूरी फाइल जो है ऐसी की ऐसी फाइल वहाँ पे उनके पास PDF में पहुँच जाएगी। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट को चाहते हैं, हमारे फ़ोन में पहले से डॉक्यूमेंट है उसको हम PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे इमेज पे, और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से हम अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ करेंगे इसे, और ऊपर जैसे हमें ये फ़ोटो है हम एक को हम यहाँ पे एक दो हम जितने जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं एक को करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद जो है कुछ ही ऐसा आएगा इंटरफेस, अब इस पर ध्यान ना दें क्या है ये बस एक नॉर्मल एक इमेज है और कुछ नहीं है। इसको हम यहाँ से सेव PDF ऊपर से करके सेव कर सकते हैं या फिर हम क्रॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं क्रॉप, तो इस प्रकार से इसको यहाँ से हम सेव PDF पे क्लिक करेंगे और ये भी हमारा सेव हो जाएगा, और इसको सेव होने के बाद हम इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।